ਕੀ ਕਰਨੇ ਰਾ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸੱਚੋ ਥਾਣਾ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਸੱਚੋ ਥਾਣਾ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਆਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਛੁਪਾਰੇ ਛਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣਨ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਯਹਾਂ ਆਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਆਰਮੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੋ ਥਾਣਾ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਸੱਚੋ ਥਾਣਾ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੜੀ ਸ਼ੀਫ ਮੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਅਭੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ वो आवाम में जो है वो जो रकम थी इमदादी रकम वो तकसीम की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंतजामिया के जो मुलाज़मीन हैं वो भी मौजूद हैं और आपको एक बात ये भी बताता चलूँ मैं कि यहाँ पर एक SHO साहब हैं जो थाना अफजलपुर के वो यहाँ पर मौजूद हैं कि वो कहाँ पर हैं इसलिए कि ये यहाँ पर जो आवाम है वो भी मौजूद हैं उनका क्या कहना है कि इस हवाले से कि क्या प्रॉब्लम क्या मसाइल हैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुबह ने असांजी दिहाड़ी ने 10 बजे ने तक बैठे हैं कोई पूछ बल्कि 10 बजे ने तो 11:30 बजे टीम आई है तो कोई इन्ना दावन नहीं किया कोई अद्धे बंदे वापस चले गए अद्धे वापस चले गए तो हम जड़े हैं बाकी बस हैं थोड़े जे है बिल्कुल जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है सर प्रॉब्लम क्या सुबह 8 बजे ने जलील होने 2 बजे इन्होंने जरा ना कंप्यूटर ऑन होया असल ना कंप्यूटर बंद है उस तो बाद जनाब ये योजना सिफारशी काम चलन ने सारा जी बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है कि जनाब किसी किस्म का जी 50-60 तो नानी रहनी है ना तब मर्दा भी भालिया वो शामी 7 बजे तक इंतजार करो 7 बजे तो बाद जिन्ना असा लोगों दूर जाना किस पर जाएंगे गड्डी नहीं सै कुछ ने तरला करना ਤਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜਾਤਨਾ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੋੜੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਕੀਆਂ ਆਏ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ 11:30 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਖੜੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਜੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਉਧਰ ਸੇ ਬੈਠੋ ਇਧਰ ਸੇ ਬੈਠੋ ਇਧਰ ਸੇ ਬੈਠੋ ਉਧਰ ਸੇ ਬੈਠੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ पुलिस वालों का क्या किरदार है पुलिस वाले भी ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ क्या धमकी दे रहे हैं वही कह रहे हैं इधर हो जाए हम फिर बदतमीजी करेंगे कभी इधर बैठ जाए कभी कहते हैं इधर चले जाओ कभी औरतों को कहते हैं अंदर चले जाओ सर मेरी गुजारिश है यहाँ आर्मी होनी चाहिए आर्मी आनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल आर्मी होनी चाहिए सब आवाम ने रोजा रखा हुआ है लेकिन सब खज्जल ही हो रहे हैं कुछ पैसे नहीं मिल रहे अभी तक और बस ना हम यही कह रहे हैं कि टोकन दिला रहे हैं सारा दिन हम इधर कल भी रहे आज भी रहे बुजुर्ग साहब है जो के यहाँ पर मौजूद है सारी रात अब तो इबादत आपके लिए नहीं की लेकिन रोजा रखे हैं कोई सोए नहीं है लेकिन यहाँ कोई इंसाफ नहीं है क्या इंसाफ है बिल्कुल जी नाज़रीन ये लोग सुबह के जो है वो खड़े हैं तो पैक खल गए पूरी दिन पूरा रोजा मुंह रखा तो पैक खल गए इन अंदर नहीं होता पुलिस वाले बाहर खला तो पै पुलिस जेड़े असें आर्मी होनी चाहिए पुलिस जानने तो बावजूद ही असें तामन नहीं कर रहे और धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं हाँ बिल्कुल यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है ये जान पहचान वाली करते कुछ समझे हर आदमी खत्म करते हैं रोजेदार सुबह 7 बजे तक इधर मैं आया कोई बंदा आदमी अंदर नहीं आने देने अंदर जाने लपड़ के बाहर कट छोड़ जाते हैं बाहर खड़े रहो बाहर खड़े रहो रोजे रस्ता रोजा रहा और हर वाम नाल गलत कर रहे ना कल सुबह तक खजे कर रहे थे एक बार इशरान कार्ड जमा कर रहे दूसरी बार वापस कर खड़े ईद तो बाद में दसा कद कदे दसा कोई सारा कमा लपड़ाई को नहीं दे रहे कहने के सुबह ठहर के कद इशरान की कार्ड ला लेने कद वापस कर लेने तो असं कदम परेशान होकर बह रहे हैं जान पहचान पुलिस वाले ने बंदे रह जिन्होंने पहले पैसे देने से पुलिस वाले अपनी मर्जी ने बंदे अजय अपने अपनी मर्जी ने बंदे देने से सानू कुछ नहीं दिता बिल्कुल जी नाजी ने सुबह ने आए हैं 7 बजे ने रोजा रखे हैं शुगर रखा बीमार हैं सुबह 7 बजे बीमार हैं सुबह ने 7 बजे नहीं बैठी यहाँ आके रोजा रखे हैं जी सिफारिश वाले दे जाने पे ला कर असा सदा बैठे मुंह हटी का तकीरा से कोई भाव नहीं पाई रहा
अगू पुलिस वाले बेइज्जती करने रे सारी गरीबा नी तू तू कर अगू बोल ले रे लब्बा लगे तुसा की चुप करके बहन हो जा नहीं अगू बड़िया बदतमीजी ना गल्ला करने न सुबह सवेरे से ये लोग आए हुए थे गरीब आवाम जो कि ईद की खुशियां जो है वो उनको एक उम्मीद लगी थी कि लॉकडाउन के बाद एहसास प्रोग्राम के इनको जो है कुछ रकम मिलेगी जिससे ये अपना कोई राशन वगैरह इकट्ठा कर लेंगे या कोई चीज़ खरीद लेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि खवातीन के साथ जो थाना अफजलपुर का रवैया था जो पुलिस एहलकारान का SHO साहब का कि किस तरह इनको धमकियाँ दी गई खवातीन को और मन मर्जी के जो अफराद थे उनको आगे ले के जाते रहे। और इसमें यह भी इंकशाफ हुआ है कि पुलिस वालों की कहीं अपनी कोई रिश्तेदार थे जिनको ये अंदर लेके जाते थे SHO साहब के जो अपने रिश्तेदार थे उनको ये अंदर जाके जो है वो मुबैना तौर पर लोगों को जो है इमदाद देते रहे। और जो आम लोग थे जो हकदार थे सही हकदार थे ये खवातीन थी जो ये लोग थे बुज़ुर्ग लोग थे ये सुबह सवेरे से 8 बजे से यहाँ पर खड़े थे और शदीद गर्मी में यहाँ पर कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है कोई साहिबान नहीं लगा हुआ कोई पंखों का इंतज़ाम नहीं था और इस वक्त जो है हाली हाथ लौट के जा रहे हैं इन इसके लिए ये सरापा एहतजाज हैं। और इंतजामिया से और खसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इमरान खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अगर एहसास प्रोग्राम की जानिब से इनके लिए कोई मदद या उम्मीद की किरण जगाई गई है तो उस पर अमल दरामद के लिए अच्छे और बाकरदार जो अफसरान हैं उनको तैनात किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अवाम के मुश्तिल होने पर SHO थाना अफजलपुर राजा सदाकत जो हैं वो मौका से फरार हो रहे हैं। थाना अफजलपुर, 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 थाना अफजलपुर।